हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब गाइस? आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड के बारे में, जिससे कि हम लोग इस मेथड से देखेंगे कि कैसे कि कोई भी बीम हो तो उससे हम लोग कैसे डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है। ठीक है, जैसे कि कोई भी बीम हो चाहे ट्रस हो, उस पर हम यदि कोई लोड लगाते हैं, ठीक है, यदि कोई बीम हो या ट्रस हो उस पर हम कोई लोड लगाते हैं, ठीक है, तो उस एक्सटर्नल लोड की वजह से जो हम बीम पे लगा रहे हैं उसके वजह से कुछ ना कुछ वर्क होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल वर्क डन। बट जब हम एक्सटर्नल वर्क डन लग रहा है लोड की वजह से, तो उसके अपोजिट साइड में बीम के अंदर जो वर्क होता है, बीम के वजह से जो वर्क होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल वर्क डन। ठीक है, उसी इंटरनल वर्क डन को ही हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर जो है एक्सियल लोड के केस में कितना आता है, और जब हम किसी बीम में देखते हैं तो बेंडिंग की वजह से कितना आता है। ठीक है, तो मेरा पहला हेडिंग है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें अज्यूम करनी है, हम लोग उस चीज को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि जो इलास्टिक मेंबर लेंथ है, एक्सियल लोड लगाना, एक्सियल लोड मीन्स कि एक फिक्स पॉइंट से कोई मेंबर होगा उसमें हम लोड लगा देंगे। जैसे मैं पहले फिगर बना लेता हूं, फिर उसके बाद अज्यूम करते हैं। ठीक है, ये कोई फिक्स पॉइंट है, फिगर बना लेता हूं। ठीक है, ये हमारा फिगर है। इस मेंबर में क्या है, कोई लोड नहीं लगा है अभी फिलहाल। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो मेंबर है इसमें कोई लोड नहीं लगाया। जैसे ही इसमें हम लोड लगाएंगे तो क्या होगा, इस मेंबर में एक टेंशन जनरेट होगा। ठीक है, तो इस मेंबर में टेंशन होगा, तो इस मेंबर में मान लेता हूँ टेंशन टी है, और जब हम मैं लोड लगाऊंगा तो इस मेंबर में टेंशन जनरेट होगा और इस मेंबर में एक्सटेंशन भी होगा, मीन्स कि कुछ जो बीम है इसमें एक्सटेंड होने की कोशिश करेगा। तो ये जो हमारा ये है, ये जो हमारा जितना थोड़ा सा डिफ्लेक्शन टाइप का ही, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा एक्सटेंशन हुआ है, मान लेता हूँ डेल। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ कि डेल हुआ है। अब क्या करता हूँ कि कुछ इसमें जो अजम्पशंस है उसको हम लोग मान लेते हैं। कि जब हम इसमें ये लोड लगा रहे हैं W, ठीक है, तो ये W नीचे की ओर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड में इस मेंबर में कुछ वर्क होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल वर्क डन या फिर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो जो हमारा इस लोड की वजह से वर्क डन होगा वो इक्वल होगा किसके, जो इस मेंबर में जो वर्क डन होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लोड की वजह से वर्क डन निकालते हैं, तो यहां पे एक्सटर्नल वर्क डन हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, एवरेज लोड इनटू डिफ्लेक्शन, एवरेज लोड। देखिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में इस मेंबर में कोई लोड नहीं लगा था, फिर हम क्या किए कि W लोड लगा दिए, तो स्टार्टिंग का जो लोड कोई नहीं था मीन्स जीरो लोड था, फिर हमने उसमें W लगाया, तो इन दोनों का एवरेज लोड कितना हो जाएगा, जीरो प्लस W बाई टू इंटू के डिफ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन। ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए, इन दोनों में से कोई भी ले सीख सकते हैं। तो यहाँ पे डेल आ गया, तो यहां से जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो कितना होगा, वन बाई टू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वन बाई टू W इंटू के डेल, ये क्या आया हमारा एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, और हमको ये पता है कि जब मैंने W लगाया इसमें, तो इस W के वजह से जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, इस मेंबर में जो हमारा इसके अपोजिट साइड में वर्क करेगा। ठीक है, इसमें कोई वर्क करेगा इसके अपोजिट साइड में, तो उसको हम लोग इंटरनल वर्क डन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि W E का मीन्स कि हम मान लेते हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन है, और जो इस मेंबर में वर्क होगा उसको हम मान लेते हैं कि इंटरनल वर्क डन है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो चलिए इसमें और चीजें देख लेता हूँ क्या है। तो जब मैंने इसमें W लगाया तो W नीचे की ओर वर्क किया, तो इसके अपोजिट साइड में एक और जनरेट हो रहा है इस मेंबर में, क्या वो टेंशन। ये W लोड जो नीचे की ओर लग रहा है वो, और जो ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है, ये दोनों क्या होंगे,
इक्वल होंगे। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि जो हमारा टेंशन है टी, ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, लोड डब्ल्यू के। ठीक है, यहां से हमने ये निकाल लिया कि टी इक्वल्स टू डब्ल्यू के। अब नेक्स्ट इसमें क्या करें, टेंसाइल स्ट्रेस निकाल लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो लोड अपॉन एरिया हम यहां से कर सकते हैं, और ये जो डब्ल्यू है वो किसके इक्वल है, इस टेंशन के इक्वल है, तो मैं यहां से टी बाई ए कर सकता हूं। ठीक है, और जो हम यहां पे टेंसाइल स्ट्रेन मींस इस मेंबर में जब स्ट्रेन जो आएगा वो निकालना चाहूं तो वो कितना आ जाएगा, मैं यहां से टेंसाइल स्ट्रेन यदि कैलकुलेट करना चाहूं तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा, हमको पता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जिससे की वजह से हमारे को एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट आता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेस अपॉन ये, और ये हमारा ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यहां से हम यदि ये स्ट्रेस की वैल्यू यहां से ये टी अपॉन ए यहां पे मेंशन कर दें, यहां पे पुट कर दें, कितना हो जाएगा, टी अपॉन ए ई। ठीक है, एंड स्ट्रेन क्या आ जाएगा, स्ट्रेन के लिए एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, एक तो हमारा ये स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, और एक रिलेशन है हमारा, ये क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ये क्या है, चेंज इन लेंथ। ठीक है, कितना चेंज इन लेंथ हुआ है, ये हुआ है। ठीक है, इतना जे हुआ है, और इसमें क्या है, ओरिजिनल लेंथ एल है, ये हम मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक ओरिजिनल लेंथ एल है। ठीक है, अब फिर क्या करें, यहां से हम ये चेंज इन लेंथ निकाल लें डेल, यहां से क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इंटू के ओरिजिनल लेंथ। यहां से स्ट्रेन की वैल्यू हम यहां पे ये निकाल चुके हैं, यहां पे हम पुट कर सकते हैं अपॉन ए ई, और एल है तो यहां पे एल हो गया, हमको चेंज इन लेंथ हम यहां से फाइंड कर लिए। इसके बाद अब हम क्या करें, नेक्स्ट निकाल लें इंटरनल वर्क डन और एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल होंगे। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन और इंटरनल वर्क डन इक्वल होंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल वर्क डन, ये किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल वर्क डन के। ठीक है, अब क्या करें, इसमें पुट कर देते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन क्या था, 1 बाई टू डब्ल्यू और डेल, यहां से हम डेल की वैल्यू पुट कर दें, यहां से ये जो अभी हम निकाले हैं डेल, डेल मींस कि ये जो हमारा चेंज इन लेंथ है, यहां से हम ये वैल्यू पुट कर दें इसके जगह पे, कितना आ जाएगा, 1 बाई टू डब्ल्यू और ये डेल की जगह पे टी एल अपॉन ए ई, और जो ये डब्ल्यू है वो किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो मैं यहां पे टी रख सकता हूं, तो टी रख दूंगा, तो एक यहां पे टी प्लस है, टी स्क्वायर अपॉन एल डिवाइड बाई टू ए ई। ठीक है, तो ये हमारा आ गया स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। ठीक है, यदि हम निकालना चाहें कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड स्टोर्ड पर यूनिट वैल्यू, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हमारा कितना आया है, ये टी स्क्वायर अपॉन एल टू ए ई डिवाइड बाई ए ई ए एल। ठीक है, ए एल, तो जब इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड का सिंबल है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई ए ए स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा ई, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इससे इससे यहां से बचेगा टी अपॉन ए, हमारा क्या होता है, यहां से हम ये फाइंड कर चुके हैं टेंसाइल स्ट्रेस होता है, इसके जगह पे हम स्ट्रेस यहां पे पुट कर सकते हैं, तो ये हमारा आ गया स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सियल लोडिंग की वजह से हमने निकाल चुके हैं, अब निकालते हैं बेंडिंग की वजह से, बीम में यदि बेंडिंग हो रहा है तो उसके वजह से कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड आएगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग। सबसे पहले हम लोग कोई बीम बनाते हैं उसमें हम लोग बेंडिंग देखेंगे, क्योंकि जो बेंडिंग और शियर फोर्स होता है वो बीम और फ्रेम में होता है। ठीक है, ट्रस के लिए तो कोई बेंडिंग होता नहीं है, बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है, तो हम लोग स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड देखेंगे किसके लिए, बीम के लिए। तो कोई सबसे पहले हम बीम बना लेते हैं, यहां पे सपोज कर लिया कि ये हमारा बीम है, इसके एंड पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये मोमेंट लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है,
इस बीम का कोई ना कोई एक न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है, मैं उसको बना लेता हूँ यहाँ पे, सपोज कर लेता हूँ कि ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है इस बीम का, ठीक है। और इस बीम में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी इसमें हम एक सेक्शन कट करते हैं और एक यहाँ पे दूसरा सेक्शन, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड, ठीक है। अब क्या करें, अब इसमें कोई एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया हम मीजर मानेंगे, ठीक है, इसमें छोटा सा एलिमेंटल एरिया हम ये मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा ये सेक्शन और सेक्शन वन और सेक्शन टू के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ कि डीएस है, ठीक है। और ये जो एलिमेंटल है इसके सेंटर से लेकर नीचे तक की जो डिस्टेंस है वो वाई मान लेता हूँ, ठीक है। और इस एलिमेंटल एरिया जो सेक्शन है इसकी जो एरिया है वो हम मान लेते हैं डी ए, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंटल एरिया है इसका हम मान लेते हैं डी ए। अब इसके आगे हम लोग ये जानते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। बेंडिंग इक्वेशन मैं यहां पे मेंशन करता हूं, हमको ये पता है बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू एम अपॉन आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, ठीक है। यहां से हम यदि स्ट्रेस की वैल्यू निकालना चाहें इससे और इससे, ठीक है, क्योंकि इस बीम में मोमेंट आ रहा है, तो यदि इस बीम के बीम में हम स्ट्रेस निकालना चाहें तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा यदि मैं इन दोनों को कंसीडर करूं, ठीक है, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या आएगा, एम अपॉन आई इंटू के वाई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालें, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इस एलिमेंटल जो हमारा सेक्शन है इस सिलेंडर टाइप का है, ठीक है, तो इसको हम इसका हम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर निकालते हैं, तो यहां पे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर मेंशन कर दें, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय एलिमेंटल, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू के वॉल्यूम। देखिए यहां पे हमने स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम लिखा इनटू के वॉल्यूम लिखा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, बट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम छोटे से एलिमेंटल जो स्ट्रिप माने हैं, जो एलिमेंटल सेक्शन माने हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए, ये हम निकाल चुके हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वैल्यू, जब हम एक्सियल लोडिंग निकाल रहे थे तो उसमें ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है, वो कितना आया था उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये आया था, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई, यही हमारा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वैल्यू है, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं, तो यहां से ये हम यहां पे रख देंगे, ये हो गया इतना तक। हमको वैल्यूम लेना है, वैल्यूम हम इसके लिए निकाल रहे थे, तो ये इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, एरिया है और ये लेंथ गिवन है, तो एरिया इंटू के लेंथ हम कर देंगे तो वैल्यूम आ जाएगा यहां से डी ए इंटू डी एस, ठीक है। अब क्या करें कि ये जो हमारा स्ट्रेस है वैल्यू इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, एम अपॉन आई वाई स्क्वायर और ये बचा यहां पे वन अपॉन टू ई और यहां से डी ए डी एस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर देंगे तो क्या कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करें सबसे पहले, एम स्क्वायर ठीक है, ये इतना आ गया, ये तो हमारा इतना के लिए आया, ये जो हमारा डेप्थ है इतने के लिए। यदि मैं यहां से लेके यहां तक तो पूरा निकालना चाहूं यहां पे, तो इतना इतना करके बहुत सारे होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं कि इतना इतना सबका समीशन ले लेते हैं, समीशन मीन्स कि सबको एड करना पड़ेगा। तो यहां पे जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पूरे बीम के लिए मीन्स कि ये जो सेक्शन वन पूरे बीम मीन्स कि ये सेक्शन वन और सेक्शन टू के यहां से लेके यहां तक के लिए क्या करें, तो सबको समीशन करना पड़ेगा। तो यहां पे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर जो भी आएगा, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ठीक है बाय डी एस लेंथ, तो क्या कर देंगे इसको पूरे को समीशन कर देंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, एम स्क्वायर डी एस और ये टू ई आई, बचा हमारा यहां से डी ए और वाई स्क्वायर, और ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है इन दोनों का जो हमारा समीशन है, ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। यदि हम इसके जगह पे आई पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, यहां पे स्क्वायर रहेगा, ये छूट गया यहाँ पे, तो यहां से आ जाएगा एम स्क्वायर डी एस टू ई आई स्क्वायर इंटू आई, इसके जगह पे हम आई पुट कर देंगे क्योंकि ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। तो यहां से फाइनली आ गया एम स्क्वायर डी एस
टू ई आई, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्या चीज, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, इसके और इसके बीच में जितना भी सेक्शन वन और टू के बीच में जितना भी हमारा ये डीएस लेंथ है उसकी वजह से इतना आ गया। यदि मैं पूरे होल सेक्शन के लिए मीन्स होल बीम के लिए निकालना चाहूँ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय होल बीम, ये क्या आएगा, हम छोटे से सेक्शन के लिए निकाले हैं, पूरे बीम के लिए निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हमारा क्या आ गया स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, किसी भी बीम के लिए। अब इस पे हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, इसमें पूछा हुआ है कि डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन अंडर द लोड। ये क्वेश्चन में दिया है कि एक बीम है जो स्पैन एल का है, ठीक है, जिसकी स्पैन एल है, और एक यहाँ पे कंसंट्रेटेड इसेंट्रिकली लोड है यहाँ पे, ठीक है, वो स्पैन पे प्लेस्ड है। इसको यूज करना है कौन से मेथड से, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ठीक है। ये मैं इसका फिगर बना देता हूँ कि ये हमारा एक बीम है, इस पे एक लोड लगा हुआ है, ठीक है, पी लोड लगा हुआ है, और ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरा जो स्पैन है वो गिवेन है, मान लेते हैं एल, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये हमारा है ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा है बी, और हमको ये पता है कि जो इंटरनल वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल वर्क डन के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इंटरनल वर्क डन या फिर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, इसको हम आई डब्ल्यू आई से डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि इंटरनल वर्क डन, दोनों से कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल वर्क डन के, इसको हम डिनोट कर देते हैं डब्ल्यू आई से। तो हमको ये दोनों करना होगा, इंटरनल वर्क डन इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन निकाल लें, इसको सॉल्व करने से पहले हमको रिएक्शन फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये आर ए हमारा कितना आ जाएगा, पी बी बाई एल, क्योंकि ये जो आर ए है ये हमारा आर ए है, ये किसको बैलेंस करेगा, इतने स्पैन को, और ये आर बी जो है वो किसको बैलेंस करेगा, इतने। इसलिए हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं कि पी इंटू के ए डिवाइड बाई एल, ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कितना है, फॉर्मूला डब्ल्यू आई इक्वल्स टू, हमको ये पता होगा कि जब किसी बीम में बेंडिंग के लिए हो तो डब्ल्यू इंटरनल वर्क डन डब्ल्यू आई इक्वल्स टू क्या होता है, एम स्क्वायर डी एस अपॉन टू ई आई, ठीक है। तो जो हमारा ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है कहाँ कहाँ के लिए है, यदि मैं इसका नाम रख दूँ ए और बी और यहाँ पे सी, तो जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगा ए से सी मेंबर के लिए होगा और सी से बी के लिए होगा। तो जो हमारा ये है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड एसी मेंबर, और दूसरा जो है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड सीबी मेंबर के लिए। तो हमको एसी मेंबर के लिए हमको इसमें लगाना है, तो हमको मोमेंट चाहिए एसी मेंबर में और सीबी मेंबर में, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये है। तो एसी मेंबर में हमारा कोई एक मोमेंट, हम कोई सेक्शन कट कर लेते हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक हम सेक्शन कट कर लिए, और यहां पे मोमेंट ले लेता हूं एसी मेंबर के लिए, फिलहाल निकाल रहे हैं तो मोमेंट हमको लिखना है यहां पे। तो यहां पे हम मोमेंट लिख लेते हैं, तो आर ए इंटू के एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स पी बी अपॉन एल इंटू के एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं यहां पे, डीएस है तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में है तो यहां पे हम डीएक्स लिख देते हैं, डिवाइड बाई टू ई आई, और यहां पे इंटीग्रेशन गिवेन है, तो ये इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक लिमिट है, हम कौन सा स्पेन के लिए निकाल रहे हैं, ए से लेके सी तक का, तो हमारा ये कितना है लिमिट, जीरो से स्टार्ट हुआ कहां तक गया, ए डिस्टेंस तक, ये हमारा जीरो से ए तक हो जाएगा प्लस। अब हमको निकालना है इसके लिए, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड किसके लिए, सीबी के लिए, सीबी में भी हमको एक मोमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे कोई सेक्शन कट कर देता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो आर बी इंटू के ये हो जाएगा मोमेंट, और लिमिट कितना होगा, जितना हमारा ये हमने माना है इसमें सी से बी तक, मीन्स जीरो से बी तक हमारा है, तो जीरो से बी तक लिमिट हो जाएगी, और हमको एम लिखना है मीन्स मोमेंट, तो आर बी इंटू के ये डिस्टेंस, तो आर बी हमारा कितना है, ये है इंटू के एक्स, तो पी ए अपॉन एल इंटू के एक्स स्क्वायर, ठीक है।
और क्या है इसमें, डीएस है तो यहां पे हम डीएक्स लिख देंगे डिवाइड बाई टू ई आई, ठीक है। और इसको हम स्क्वायर को ओपन करते हैं फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, कितना हो जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल वी स्क्वायर हो जाएगा टू ई आई एल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और प्लस यहां से जीरो टू बी पी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टू ई एल स्क्वायर डी एक्स। अब ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे भी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स क्यू बाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यू बाई थ्री हो जाएगा, थ्री नीचे आएगा, थ्री का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं सिक्स हो जाएगा टू ई आई एल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे ये लिमिट भी रखना था जीरो टू ए प्लस इस यहां पे भी एक्स क्यू बाई ये आ जाएगा, मैं इसको अलग कर लेता हूं टू ई आई एल स्क्वायर एक्स क्यू बाई थ्री जीरो टू बी, एक्स के जगह पे ए रख दें और एक्स के जगह पे यहां पे बी रख दें तो फाइनली कितना आ जाएगा बी स्क्वायर ए क्यू डिवाइड बाई सिक्स ई आई एल स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यू डिवाइड बाई टू ई आई एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल गया और इन दोनों में कॉमन क्या है पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई सिक्स ई आई, यहां पे क्या बचेगा इसमें ए बचेगा और यहां पे बी बचेगा, ए प्लस बी मिलके क्या है ए ये है बी ए है तो दोनों मिलके एल हो जा रहा है तो यहां पे हम एल पुट कर देंगे तो फाइनली हमारा यहां से जो इंटरनल वर्क डन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके जगह पे हम यदि एल पुट कर देंगे तो एक एल से एल कैंसिल तो यहां से फाइनली हमारा आ जाएगा कितना सिक्स ई आई एल, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनल वर्क डन आया, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि किसी भी बीम में इंटरनल वर्क डन इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन होता है, ठीक है। तो यहां से हम इंटरनल वर्क डन इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन कर दें तो इंटरनल वर्क डन इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन, इंटरनल वर्क डन कितना है इसको पुट कर दें पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई सिक्स ई आई एल। एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, जब हम एक्सियल लोडिंग के केस में जब हम इंस्टेंट एनर्जी स्टोर निकाले थे तो वो उस टाइम निकाले थे कितना आता था वन बाई टू लोड इंटू के एक्सटेंशन, ठीक है ये होता है। तो लोड की वजह से मतलब कितना हमारा उस बीम में एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, चाहे डिफ्लेक्शन हुआ। तो यहां से हमको यही डिफ्लेक्शन ही निकालना था क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा अंडर द लोड, मीन्स जहां पर भी लोड लगा हुआ है वहां पर कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो यहां से देखते हैं टू से ये थ्री टाइम्स में कट जाएगा, एक पी से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां से जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री ई आई एल, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेन एनर्जी मेथड से हम लोग डिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जो भी घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा दीजिए जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग उसको देख सकें।